हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सब लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, सर ये ईरान और इजराइल का जो वॉर है मार्केट में क्या होगा। सबसे पहले आप गांधी जी को थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि आज अगर मार्केट खुला होता तो मार्केट में गिरावट होती, ये तो पक्का है। तो गांधी जी ने आपको बचा लिया आज। लेकिन बात सिर्फ आज की नहीं है, बात कल की भी है और परसों की भी है। तो समझने की कोशिश करेंगे ईरान इसराइल का इम्पैक्ट क्या कर सकता है हमारे मार्केट पे। आपको पैनिक लेने की ज़रूरत है भी कि नहीं है, और इसीलिए बोलते हैं इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिएगा तो इस तरह का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैसेज तो भैया ऐसे आ रहे हैं कि क्या कहा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहीं पर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में रूल FNO के चेंज हुए हैं उसकी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक एक एग्जांपल के साथ ऑल 6 रूल को हमने एक्सप्लेन किया है। तो अभी एक्चुअली देखा जाए तो हमारे इंडियन मार्केट में ईरान इसराइल वॉर के साथ साथ FNO से जुड़े जो सेबी के नियम हैं वो, चाइना के स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी है वो, प्लस मार्केट का वैल्यूएशन जो हमारे मार्केट में अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है वो, ये कई सारी चीज़ें मिलकर इम्पैक्ट की कहानी है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या हमारे इंडिया पर जो ईरान अब वॉर में शामिल हो गया है उसका असर पड़ेगा क्या। तो इसराइल और हमास की लड़ाई में लेबनान, ईरान और यमन शामिल हुए हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इसराइल पर मिसाइल को दागा। ठीक है, और यही बात नहीं रुकती है, अमेरिकी जो ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाने की धमकी दी है। और वहीं पर अमेरिका ने भी कहा है कि भैया हम तुम्हारी मिसाइल को मार गिराएंगे, मतलब मामला है। अगर अब ये जो मध्य पूर्व का एरिया है, अगर लड़ाई का दायरा बढ़ता है, ऐसे ही एक दो कंट्री और घुसती चली जाती है, तो इसका असर जो होगा वो लाल सागर के रास्ते गुजरने वाले जहाज पर होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर कमर्शियल जहाज पिछले कुछ महीनों से केप ऑफ गुड होप रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसकी एक अलग कहानी है। जब हमने ये मामला हुआ था तब वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। और इंडियन एक्सपोर्टर भी इसी रास्ते का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यानी अगर पश्चिमी देश ईरान पर प्रतिबंध लगाते हैं तो उसका इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा असर पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि पिछले लगाए गए प्रतिबंध की वजह से पिछले कुछ सालों में इंडिया के ट्रेड में ईरान की जो हिस्सेदारी है काफ़ी कम रह गई। यानी मैं डेटा बेस पर बात कर रहा हूँ, सिर्फ बातों पर नहीं, डेटा कहता है कि ईरान की हिस्सेदारी। लेकिन ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इंडिया के क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट में UAE, सऊदी अरब, इराक और कुवैत की 43% की हिस्सेदारी है। और पिछले कुछ साल में रूस से हमने इम्पोर्ट बढ़ाना क्रूड का शुरू किया है और पहुंच गए हैं 38% तक। तो इससे अगर पश्चिमी एशियाई देशों से क्रूड के इम्पोर्ट में बाधा आती है या कीमत बढ़ती है तो इंडिया के पास रहेगा विकल्प रूस का। और रूस के साथ अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो सब ओके है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई दिक्कत हुई तो फिर इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अगर दिक्कत होती है तो रूस कैसे करता है। वैसे रूस इंडिया का दोस्त माना जाता है, दोस्त है, तो उस कंडीशन में लोग ये सोच के चलते हैं कि दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जो बाहर जाता है वो क्रूड को मंगाने में ही जाता है। लेकिन वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो थोड़ी सी स्टॉक मार्केट से बाहर जाकर सोचने की है, जो मैंने ट्विटर पर भी शेयर की थी कि अगर आप गौर करो तो वर्ल्ड पावर, जो दुनिया के वर्ल्ड पावर हैं, बहुत दिनों से ईरान को जबरन वॉर में लाना चाह रहे थे और ईरान वॉर से बचने की कोशिश में था, लगातार उसको उकसाया जा रहा था। अंततः ईरान को वॉर में आना पड़ा। अब अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री हो, जो कहीं ना कहीं सुपर पावर मानी जाती है, अब मिलकर क्या करेंगे, ईरान को इराक, सीरिया, अफगानिस्तान की तरह बर्बाद कर सकते हैं और कल के डेट में शायद उनके नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा ले सकते हैं, यानी उस पर कब्जा करके। तो ये भैया होता है कि जिसको वॉर करना है उसको वॉर नहीं करना है, उसकी देश की जनता को भी वॉर नहीं करना है, लेकिन बाहर बैठे लोग, जो ये सुपर पावर दूर बैठे लोग हैं, वो कैसे किसी कंट्री को वॉर में झोंकते हैं, उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका भी पॉइंट हमें कुछ सिखाने को मिलता है। तो क्रूड का मामला आप समझे, एक बड़ा जटिल मामला है।
अब इंडिया की इकोनॉमी के लिए कितना खतरा है, तो अमेरिका जो अमेरिकी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है और हाल में जो जीडीपी डेटा आया है और एफएमसीसी जो एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट कट और कई सारी अनुमान की कहानी है, तो अमेरिकी इकोनॉमी बहुत मुश्किल से बाहर आने में लगी है, बराबर। उधर चीन में सरकार और सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी को सहारा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे चीन में डिमांड बढ़ रही है। अब चीन के डेटा पे भी आएंगे, मैंने उसकी वर्किंग भी की है क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया चीन में एफआईआई क्या, चीन चले जाएंगे क्या, लोग वहाँ से डर रहे हैं क्योंकि ये सारी कहानी, ये जो मुट्ठी तभी बनेगी जब पांच उंगली हो, तो वैसे ही मार्केट पे इंपैक्ट इन सब पे आता है, तो चीन के टॉपिक पे आएंगे। बट ये कहानी इस तरीके से है। तो अब पिछले कुछ साल में क्या हुआ है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट की रफ्तार बहुत अच्छी रही है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है घरेलू इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन रहा है। 2021 की शुरुआत से इंडियन मार्केट में 175 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है जिसमें घरेलू इन्वेस्टर की 90% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। अब घरेलू इन्वेस्टर मतलब DII, HNI, रिटेल इन्वेस्टर। और सितंबर में FII ने 6.9 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, माना जा रहा है कि आगे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट ओवरऑल कहानी क्या है, हम कहीं ना कहीं FII फ्री होते जा रहे हैं, बराबर है। अब FNO के नए नियम आ रहे हैं, ये FNO के नए नियम अच्छी बात ये है कि कल से लागू नहीं हो रहे हैं, वो धीरे धीरे की कहानी है, तो जस्ट एक मार्केट में पिनिक जैसा जो हो जाए तो वो इतने स्टेप में धीरे धीरे होगा कि उसका इम्पैक्ट आपको कहीं दिखेगा नहीं। वहाँ पर अगर अपने मार्केट के लिए देखा जाए, इंडियन मार्केट के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है हाई वैल्यूएशन, और वही एक हाई वैल्यूएशन को चाहिए एक कैटलिस्ट जो मार्केट को गिरा सके। क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो युद्ध जैसी जो स्थिति होती है उसका उन देश के स्टॉक मार्केट पर कभी असर नहीं पड़ता जो उनसे बहुत दूर है, मतलब जो आसपास में बैठे हैं उस पर असर पड़ता है, लेकिन जो बहुत दूर है नहीं पड़ता। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, कुछ दिन की कहानी थी, फिर कहानी ख़त्म, हम नए हाई बनाए। फिर इसराइल हमास हुआ, एक दिन की कहानी बनी, फिर ख़त्म, उसके बाद तो अब ये वॉर हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अमेरिका में ज़रूर नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है जिस पर कुछ चीज़ें नज़र करती हैं, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी और इंडिया का ग्लोबल ट्रेड, ये बड़ा ही मायने वाली कहानी आती है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है। वहीं पर जैसे कि चाइना की कहानी है, क्योंकि सब कहानी को पहले समझ लें तब एक मुट्ठी बनाने की कोशिश करेंगे तो आप पूरे पिक्चर को और पूरे आउटलुक को समझ पाओगे। तो जैसे कि अभी चारों तरफ है कि अरे भैया चीन में तो बहुत स्टिमुलस प्लान दिया जा रहा है, तो अब इंडियन मार्केट से पैसा निकलेगा, चाइना में जाएगा, बिकवाली आ जाएगी, तो ठहर जाइए, डेटा बताता हूँ। सबसे पहले तो भैया समझिए कि चाइना में हुआ क्या। चाइना की इकोनॉमी सुस्त हो गई थी, तो जान फूंकने के लिए कोविड के बाद सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। खास तौर पर उसने अपने प्रॉपर्टी मार्केट में सालों से जारी संकट को ख़त्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, और इसके चलते चाइनीज़ मार्केट में पिछले एक महीने में एक दशक की सबसे बड़ी तेज़ी, एक दशक समझते हो, 2008 से भी बड़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टिकाऊ है, राइट? क्योंकि टिकाऊ होना ज़रूरी है ना। मान लो बीमारी कैंसर हो तो आप कितना भी दवाई डालोगे तो तुरंत में थोड़ी कैंसर चला जाएगा, कैंसर में टाइम लगता है। तो वहीं पर मानना ये है कि भैया, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया हमें बहुत कम इम्पैक्ट दिखेगा। अब आप कहोगे ये तो बतोले कर दिया, कुछ डेटा वाली बात करिए, डेटा वाली बात करते हैं। डेटा वाली बात तो सबसे पहले ये है कि जो FII की बात कर लो, हमने दो मिनट पहले आपके साथ डेटा डिस्कस किया, 90% पैसा किसका लगा है, हमारा लगा है, यानी हम सब घरेलू इन्वेस्टर का, और सिर्फ 10% पैसा FII का लगा, यानी हम FII फ्री तो पहले ही हो चुके हैं। ये घटना अब की है, हम FII फ्री पहले हो चुके, तो हमें इससे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद अगर उनकी आती भी है बिकवाली तो वहाँ पर क्या होगा, वो खास इम्पैक्ट नहीं देगा, क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर की भारत में हिस्सेदारी 11 साल के लोएस्ट लेवल पे, यानी भारतीय निवेशक अभी भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि अब इंटरेस्ट कट के बाद उन्होंने पैसा लगाया है, वो अब अंदर आ रहे हैं। बट एक और डेटा बता देता हूँ, चीन में जब तेज़ी आई है ना, तो हमारे इंडियन मार्केट को खास फ़र्क नहीं पड़ा है। 2024 के शुरुआत में चीन के स्टॉक मार्केट 30% तक ऊपर हुए थे, तब भी भारत से केवल 1 अरब डॉलर की विदेशी बिकवाली देखी गई, और उस समय निफ्टी में 10% की तेज़ी हुई।
2022 के अंत में जब चीन में कोविड के बाद इकोनॉमी खोलने का काम शुरू हुआ, तब भी हमारा स्टॉक मार्केट तेजी से भाग रहा था। तो यानी मोटा मोटा कथा ये है कि अगर चाइना देख, मतलब देखो जो भी कहानी को अगर आप देखो ना, चाहे इसराइल ईरान देख लो, चाहे आप चाइना देख लो, ये कोई भी कहानी शॉर्ट टर्म बन सकती है, लॉन्ग टर्म कभी नहीं बनेगी, ये दिमाग में सेट कर लेना। और शॉर्ट टर्म बनना बहुत ज़रूरी है हमारे मार्केट के लिए, पता है क्यों? क्योंकि समझो अभी जो, अब हम किस पे डिपेंडेंट हो गए, हम भले FII पे डिपेंडेंट नहीं है, बट हम DII HNI पे डिपेंडेंट है ना, तो क्या ये बेवकूफ़ हैं? ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो स्मार्ट मनी प्लेयर हैं। तो ये खुद जो आप सुनते हो म्यूचुअल फंड हाउस कैश पे बैठे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं भैया सतर्क रहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर जाइए, अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप से निकलिए, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सब कहते हैं भैया कोई बहाना दे दो, मार्केट को एक प्रॉफिट बुकिंग दिला दो ना, प्रॉफिट बुकिंग दिला दो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम वापस से इन्वेस्ट करें। क्योंकि कोई भी चीज़ सीधी खड़ी होते 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 आसमान चीरते हुए भगवान जी से मिलने नहीं जाएगी, वो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊंचे नीचे ऊपर करते हुए जाती। तो आप ये समझ लो कि चाहे चाइना का हो, चाहे इसराइल ईरान का हो, ये कुछ इम्पैक्ट नहीं, ये जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म की कहानी है, शॉर्ट टर्म आपके लिए पार्टी वाली कहानी है, पार्टी 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 पार्टी, आपको पार्टी मनाना है कि भैया मेरे को अच्छे क्वालिटी शेयर पे फोकस करना है, लार्ज कैप पे अंडर वैल्यू शेयर पे फोकस करना है, FMCG मीटिंग हुई है, मीटिंग से इंटरेस्ट कट से जिस सेक्टर को फ़ायदा होगा उस पे फोकस करना है। तो मैंने वीडियो भी बनाई थी FMCG रेट कट से किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, वो वीडियो भी बनाई थी, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेरा ये मानना है रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें चलती हैं, वो आपको सिर्फ डराती हैं, आपको डरना नहीं है, एजुकेट होना है, और मेरी वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर करना है जिससे दूसरों का भी डर खत्म हो सके। और उसके बाद भी कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए और लोगों को बताइए भैया कि सवाल क्या है।